हाँ जी बना तो बेहद में क्या ब्रह्मा बाबा के पास कोई था? शेर ज्यादा पावरफुल होता है कि आदमी ज्यादा पावरफुल है? है तो ब्रह्मा बाबा के पास कोई शेर दिल था नहीं था? ब्रह्मा बाबा ने पढ़ाई किससे पढ़ी थी? पहले था, बाद में नहीं था। और कौन आएगा उसके पक्ष में? कन्या नहीं थी क्या? बिना शादी के बच्चे पैदा हो जाएंगे? है? उनके साथ कोई रहती नहीं थी 24 घंटे? है? अरे कोई रहती थी कि नहीं रहती थी? तो नाम क्या रखा? उस बच्ची का नाम क्या रखा? वो बच्ची किसकी बच्ची थी? है? अरे जगदम्बा सरस्वती जिसका नाम रखा वो किसकी बच्ची थी? है? ब्रह्मा की बच्ची थी। और चार धाम की यात्रा? हाँ, चारों धाम की यात्रा। हाँ, बुद्धि को, हमारी यात्रा तो बुद्धि की है ना? तो चारों धाम में चार दिशाएं हैं। जो चार धाम है वो कितनी दिशाओं में है? चार दिशाओं में चारों धाम बने हुए हैं। वो तो भक्ति मार्ग में उन्होंने स्थापना की थी चार धाम की, यहाँ भी हम जानते हैं कि बाप आते हैं तो ब्रह्मा द्वारा चार पहले पुत्रों की स्थापना होती है। कौन कौन है? सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। ये चार बच्चे चार दिशाओं में चार मुख्य दिग्पाल हैं। और उसमें शांति धाम बताया होगा? है? उसमें चार धाम बताए? हाँ, एक शांति धाम। शांति धाम नहीं है, स्तंभ तो हो कुमार का दादी ने बनाया था। शांति स्तंभ, झोपड़ी, तीसरे वाल, ये सब तुम्हारे देहधारियों के बनाए हुए हैं। मुरली में नहीं बोला है? मुरली में बोला है। मुरली बाद में चली है कि शांति स्तंभ पहले बना है? बोलो। और बाबा ने रुद्रमाला को काली चीटी और विजयमाला को लाल चीटी बोला है। लाल चींटी के काटने से बहुत दर्द होता है, तो इसका बेहद का अर्थ क्या है?
काली चींटी काटती है तो दर्द नहीं होता, तो भी दर्द होता है, परंतु काटना अच्छी बात है या खराब बात है? खराब बात है। वो लाल चींटी बेसिक में है या एडवांस में है? बेसिक में है। बेसिक में जिनों जिनों को काटा है, तन से काटा है, धन से काटा है, मन से काटा है, वाचा से काटा है, तो उनको ज्यादा दुख होगा नहीं होगा? ज्यादा दुख होता है। फालतू हमारा तन मन धन बेकार चला गया, फायदा तो कुछ भी नहीं निकला। और कोई लौकिक जन्म और अलौकिक जन्म दोनों का कंपैरिजन अपने लिए कर रहे तो पूछा, हद का जन्म और बेहद का जन्म इसका कोई संबंध है? मेरा लौकिक जन्म के टाइम में परिवार वाले कुछ देर परेशान थे, भट्टी के लिए भी जब हम अलौकिक परिवार के साथ निकले तो सचखंड गाड़ी 24 घंटे लेट हो गई। बना लौकिक में भी ऐसे हुआ और अलौकिक में भी ऐसे हो गया। बाबा बोलते हैं कि हर एक इंसान उसकी राशि के अनुसार गुण दर्शाता है। उदाहरण के लिए वृषभ राशि, कुंभ राशि, वृषभ राशि वालों को बैल की तरह ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, और कुंभ क्या लिखा, अबोल रहता है। क्या लिखा, कुंभ राशि वाला अबोल, अबोल माने कम बोलता, कुंभ राशि कम बोलता है। लेकिन कुंभ जब खाली होता है, आधा भरा हुआ होता है, तो बोलता है कि नहीं बोलता है? तो बोलता है, बहुत चलकता ज्यादा है। राशियों का कनेक्शन क्या है वेद में? माला में कितने मणके हैं? 108 मणके हैं। उनको कितने ग्रुप में बांटा गया है? एक एक ग्रुप में कितने हैं? 12 है, और हर एक ग्रुप में 12 हैं। तो ये 12 राशि हो गई जो सारी दुनिया में समाई हुई है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र 12 राशियों के अंदर आ जाते हैं। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी हर एक मनुष्य आत्मा का पद, गुण, कर्म, व्यवहार कितने भागों में बटा हुआ है? 12 राशियों में बटा हुआ है।
जो पहला ग्रुप है वहां से ये बारह की शुरुआत होती है। ग्यारह ज्योतिर्लिंगम और एक शिव बाबा, टोटल बारह हुए। तो बारह के ऊपर राशि बैठती है या नहीं बैठती है? हैं? बैठती है। कब कोई राशि बैठती है तो कब कोई दशा हो जाती है, दूसरी राशि बैठती है तो दूसरी दशा हो जाती है। ये राशि क्या हुई? ये संघ के रंग की बलिहारी है। कोई का संघ का रंग लगता है तो वैसी ही दशा बन जाती है। जैसा संघ लगता है वैसे अन्न दोष भी लगता है। जिसका संघ करेंगे उसका जैसा खान पान होगा वैसा हमारा भी खान पान हो जाता है, सोच विचार भी वैसा ही चलता है, वाचा भी वैसे ही चलने लग पड़ती है, कर्म भी वैसे ही होने लग पड़ते हैं। भक्ति मार्ग में लोग बोलते हैं कि देवी आई, महाकाली बोल रही है, मैं दुर्गा बोल रही हूं, क्या ये सच्ची बात है? अगर सच्ची बात है तो सोचना चाहिए अभी कौन सा युग चल रहा है, है? संगम युग चल रहा है। संगम युग में अभी सब राक्षस हैं संप्रदाय या देवता संप्रदाय भी कोई है? सब क्या है? पतित दुनिया में होते हैं राक्षस संप्रदाय और पावन दुनिया में होते हैं देवी देवता। तो अभी कौन से संप्रदाय हैं, कौन सा युग है? अभी सतयुग का बोलबाला है या संगम है या कलयुग है? क्या है? संगम है। तो संगम में भी बोलबाला किसका है? असुरों का बोलबाला है या देवताओं का बोलबाला है? आसुरी दुनिया में सब असुर होते हैं, पतित दुनिया में सब पतित होते हैं कि कोई पावन भी होता है, हैं? सब पतित है। तो देवी कहां से आ जाएंगी? ये भूत प्रेत प्रवेश करते हैं जो अपन को देवी देवता कह के पुजवाते हैं। इस दुनिया में कोई देवी देवता नहीं है, अंधश्रद्धा युक्त होकर के पूजा कर रहे हैं। जादू टोना करना, करनी भरनी, नजर लगना, शनि की महादशा, बृहस्पति की महादशा, ये जो बोलते हैं क्या ये सच है? वेद में शनि की महादशा या गुरु की महादशा क्या है? जादू टोनों का कनेक्शन मैली विद्या से है या ईश्वरीय विद्या से है? मैली विद्या से है। जो भूत प्रेत बनते हैं जन्म जन्मांतर के पापी हैं, वो ज्यादा पाप न कर सकें
इसलिए उनको स्थूल शरीर थोड़े समय के लिए नहीं मिलता है। तो पापों का बोझा थोड़ा हल्का बना रहता है, ये एक युक्ति है। ऐसी पतित आत्माएं दूसरों को दुख देंगी या सुख देंगी? दूसरों में प्रवेश करके दुख ही देती हैं। ऐसी पतित आत्माओं को जो गुरु लोग औलिया होते हैं आत्माओं को बस में करने वाले, वो उनको बस में करके अपनी पूजा करवाते हैं, संसार में मान मर्तबा भोगते हैं, कोई कोई भगवान बनकर के भी बैठ जाते हैं। अब इनमें जो विश्वास रखता है वो नीची कोटि की आत्मा है या उच्च कोटि की आत्मा है? नीच कोटि में चली जाती है। भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भी भूत प्रेत योनि में जाते हैं। इसलिए ऐसे नहीं है कि भूत प्रेत होते नहीं हैं, होते तो हैं, लेकिन ये नीच योनियां हैं, इसलिए इन पर विश्वास नहीं करना है। क्योंकि विश्वास किस पर करना चाहिए? धोखेबाज पर या जो सच्चा रहने वाला है सदैव उसके ऊपर? तो सच्चा तो सदैव रहने वाला एक भगवान है, एक के ऊपर विश्वास करना है पहचान करके, और दुनिया में सब धोखेबाज है। रही दशा की बात, वो तो अभी बताई। कि हर एक धर्म में 12 प्रकार की आत्माएं हैं, वो 12 के प्रकार शिव बाबा ने आकर के जो वंश पहले पहले स्थापन किया, सूर्यवंश, उन सूर्यवंशियों में 12 की कैटेगरी है। उनमें जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है वो दशा है गुरु की, उसे कहते हैं सदगुरु। सदगुरुवार लिखना चाहिए, वो सच्चाई का गुरु है, झूठा रास्ता नहीं बताता है। उसका संग करेंगे तो सचखंड में ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक रहने के अधिकारी बनेंगे। सबसे खराब दशा होती है राहु की, और ऐसे ही शनि की दशा भी बहुत खराब है। सूर्य को भगवान कहा जाता है, सूर्य से धर्मराज की भी पैदाइश है, जो धर्म का राजा कहा जाता है, और शनिदेव की भी पैदाइश है, जिसे शनिलोक में दुखी आत्माएं निवास करती हैं, आर्तनाद करने वाली आत्माएं निवास करती हैं, या सुखी आत्माएं निवास करती हैं? है? दुखी आत्माएं निवास करती है। इसलिए शनिदेव की पूजा अच्छी या सदगुरु के प्रभाव में रहना अच्छा? सदगुरु के प्रभाव में रहना अच्छा है। बाप के रूप में आता है, लाल चींटी ज्यादा काटती है इसलिए काली चींटी को उठाता है पहले। हैं? लाल चींटी ज्यादा काटने से दुख होता है इसलिए काली चींटियों को ज्यादा उठाता है। हैं? जिन्होंने 63 जन्म कम दुख दिए हैं
उनको ऊंचा उठाएगा या जिन्होंने ज्यादा दुख दिए हैं उनको ऊंचा उठाएगा। और शूटिंग पीरियड में जैसा ब्रॉड ड्रामा में चला है वैसा ही कर्म करेंगे कि दूसरे प्रकार का कर्म करेंगे? तो ये 63 जन्मों की बने बनाई बन रही, अब कछ बन नहीं ना है। ये ग्रुप हैं सूर्यवंश और चंद्रवंश, फिर और नंबर वार व नंबर वार वंश। कीड़े मकोड़े तो एक प्रकार के, दो प्रकार के नहीं होते, अनेक प्रकार के होते हैं। चींटियां कीड़े मकोड़े हैं क्या है? हैं? कीड़े मकोड़ों को क्यों उठाना? ये तो उनकी बात मिसाल दी है जो नीचा पुरुषार्थ करने वाले हैं। कीड़े मकोड़े ज्यादा ऊंचे होते हैं या जानवर ज्यादा ऊंचे होते हैं या पक्षी ज्यादा ऊंचे होते हैं या मनुष्य ज्यादा ऊंचा होता है? तो मनुष्यों की बुद्धि, मनुष्यों की बात में बुद्धि लगानी चाहिए। और ऐसे तो शहद की मक्खियों का भी मिसाल दिया जाता है, वो भी उड़ने वाला प्राणी है। वो मक्खियां भी दो प्रकार की होती हैं, दोनों ही काटती हैं कि कोई नहीं भी काटती है? दोनों ही काटती है, लेकिन गुण अलग अलग हैं। छोटी मक्खी भी शहद देती है और बड़ी मक्खी भी शहद देती है। ज्यादा गुणदायी शहद किसका होता है? छोटी मक्खी का। आंखों में लगाते रहे तो चश्मे की रोशनी भी उतर जाए, लेकिन शुद्ध शहद मिलता नहीं है। और बोला है कि हर आत्मा एक जन्म मंदिर, दूसरा जन्म मस्जिद और तीसरा जन्म गुरुद्वार पूजते है, तो कैसे बाबा? ये आपने कहाँ से पढ़ लिया कि हर आत्मा ऐसा करती है? आपने लिख लिया है? नहीं, होल 11 में 1526 बी में है वो। आप दोबारा चेक करिए, ऐसा कोई मुरली नहीं है जिसमें ये बताए कि हर आत्मा पहले मंदिर में जाती है, फिर मस्जिद में जाती है, फिर गुरुद्वारे में जाती है, फिर गिरजाघर में जाती है। तो ये तो लिखा है, लिखा है, आपने लिख लिया ना। सूर्यवंशी बच्चे की तो बात नहीं है बाबा, कौन से बच्चे की बात है? ये ऐसा भी लिखा है, लिखा 84 लाख योनियों में जाती है। और बाबा भक्ति मार्ग गीता सांगितलं, बोला कि 15 में बोला है ऊर्ध मूल मद शाखा मश्वस्तम प्रावरव्यम, चलो जो कुछ भी। वो क्या माना? ये दुनिया एक उल्टे वृक्ष की मुआफिक है। जैसे कोई वृक्ष होता है तो उसमें बीज भी होता है, बीज बोने के बाद जड़ें भी तैयार होती हैं, तना भी तैयार होता है, पत्ते भी निकलते हैं, टहनियां भी निकलती हैं, शाखाएं भी निकलती हैं, फल भी निकलता है, फूल भी आते हैं। तो ऐसे ही ये एक संसार वृक्ष है, बहुत बड़ा वृक्ष है। जितने भी दुनिया में वृक्ष होते हैं उनमें कौन सा वृक्ष सबसे बड़ा होता है? जिसका बीज बहुत छोटा होता है, बड़ा जिसे कहते हैं बट वृक्ष। तो उसका मिसाल अश्वत्थ वृक्ष से दिया गया है। उसका नाम अश्वत्थ क्यों दिया है? है
अश्व माने घोड़ा, ये मन क्या है? ये मन बुद्धि ही घोड़ा है। जब इस वृक्ष की स्थापना होती है नए वृक्ष की, तो वो मन बुद्धि रूपी घोड़ा स्थाई हो जाता है। वो मन बुद्धि रूपी घोड़ा कौन है जो स्थाई हो जाता है? तब नई दुनिया बनती है। कौन सी आत्मा है? है ब्रह्मा वाली आत्मा। वो हाथी है, बैल है या घोड़ा है? मन बुद्धि को ही घोड़ा कहा जाता है। तीखा दौड़ने वाला होता है। जब युद्ध होता है तो कौन से जानवर का प्रयोग करते हैं धड़ाक से आगे जाने के लिए और धड़ाक से पीछे आने के लिए? घोड़े का प्रयोग करते हैं। वो याद की यात्रा में दौड़ने में बहुत तीखा होता है, दक से एकदम ऊंची स्टेज में और एक सेकंड में नीची स्टेज में चला जाता है। तो ऐसी वो आत्मा है जिस आत्मा के स्थिर हो जाने पर काय में स्थिर हो जाता है, है? अरे बीज जब वृक्ष बनाया जाता है तो काय में स्थिर किया जाता है। अरे बीज को आसमान में रखा जाता है कि पानी में रखा जाता है? कहाँ रखा जाता है? धरणी में। तो कोई धरणी है जिस धरणी में उसकी बुद्धि स्थिरियम हो जाती है। जैसे बोला सत्युग में कृष्ण की बुद्धि काय में दौड़ेगी, राधा में? वो तो सत्युग की कृष्ण की बात समझ ली है, लेकिन असलियत शुरुआत कहाँ से होती है? सतयुग से या संगम से? संगम से शुरुआत होती है। जिस घोड़े की बुद्धि टू मैनी क्वींस के पहाके में बिखरी हुई है, वो बुद्धि एक धरणी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, जिसे भारत माता कहा जाता है, उसमें स्थिरियम हो जाए। बुद्धि कहाँ डूबे? एक में डूबे या हजारों हजार में डूबे? एक में डूबे तो नई दुनिया की स्थापना हो जाती है। हाँ, ये वृक्ष की बात बताई, ये झाड़ उल्टा लटका हुआ है, माना परम धाम की ओर, आकाश की ओर इसकी जड़ें हैं। जड़ों से भी पहले कौन है? बीज, परम पिता परमात्मा। ऊंची स्टेज में ये जड़ें भी तैयार होती हैं। ये संगम युग की ऊंची स्टेज है, मन बुद्धि की ऊंची स्टेज है, नए वृक्ष की तैयारी हो रही है। तैयारी हो जाएगी तो पुराने वृक्ष में आग लग जाएगी। ये जो सप्तर्षि हैं वो ही ऊपर की ओर फैलने वाली जड़ें हैं। ऊर्धम मूलम अधः शाखा, उन जड़ों से जो शाखाएं निकलती हैं वो नीचे की ओर फैली हुई हैं।
मतलब कि गवर्नमेंट ने इनकम के परसेंटेज आप बढ़ा दिए हैं तो उसकी यहाँ कैसे टैली होती है? तुम्हारी इनकम भी बढ़ने वाली है। अभी अभी भक्ति मार्ग आगे चल रहा है कि ज्ञान मार्ग आगे चल रहा है? है भक्ति मार्ग आगे आगे चल रहा है और ज्ञान मार्ग पीछे पीछे चल रहा है। तो ज्ञान मार्ग में भी अभी कुछ ऐसा होने वाला है जो लोगों में से चारों तरफ से आवाज निकल रही है 2012 में क्या होगा, माया सभ्यता आएगी। तो जब विनाश होता है तो पुरुषार्थियों के पुरुषार्थ में तीव्रता आवेगी या ढीला चलेगा? है तीव्रता आती है तो ब्याज ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा, फायदा ज्यादा होगा या कम फायदा होगा? ज्यादा फायदा होगा। बाबा टीम ने बताया 13 अप्रैल 2036 को पूरी दुनिया का है। जल्दी जल्दी मर जाओ आप, मुए दुनिया खत्म, बहुत फायदा हो जाएगा। जल्दी मरेंगे तो ज्यादा फायदा होगा और देर में मरेंगे तो कम फायदा होगा। देह और देह के संबंधी मरने थोड़े ही देते हैं, और देह के पदार्थ लड्डू पेड़ा जलेबी कहाँ जाके खिचड़ी खाएंगे, थोड़ा समय और थोड़ा समय खाते रहो। अच्छा अच्छा बाबा, जैन धर्म में बताया है भगवान महावीर का पहला उपदेश खाली गया, इसका अर्थ जो महान वीर है वो है कौन वास्तव में ज्ञान में है? तो पहले यज्ञ के आदमी जो उन्होंने उपदेश दिया वो खाली गया या भरपूर गया? बार खाली गया या भरपूर हुआ? खाली बार हो गया। और है ब्रह्मा की आत्मा शंकर में भी आती है और जगदम्बा में भी आती है और गुलजार दादी में भी आती है। ये चक्कर क्या है सो तो समझाओ। शंकर में और जगदम्बा में आती है तो जो जगत पिता और जगदम्बा हैं वो रुद्रमाला के सबसे ऊपर के मणके हैं या नीचे बीच वाले हैं? ऊपर के मणके हैं। और दोनों ही मणके आदि के हैं, एक आदि है तो एक अंत है। अब उनमें आदि का फाउंडेशन लगाने वाला कौन है और अंत करने वाला प्रैक्टिकल में कौन है? है जगत पिता और जगदम्बा, एक नई सृष्टि का आदि करने वाला है, आदि देव कहा जाता है और एक आदि देवी कही जाती है। दोनों ही आदि हैं
फिर षष्ठी का आदि करने वाला प्रैक्टिकल में कौन है और अंत करने वाला कौन है? वो अंत करने वाला है, फिर आदि में है शिव बाबा, जिसे जगत पिता कहा जाता है, और पुरानी दुनिया का ध्वंस है कन्या माताओं के हाथ में होता है, शक्तियों के हाथ के से होता है, या कोई पुरुष निमित्त बनते हैं, शक्तियों के द्वारा ध्वंस होता है। तो एक आदि है और एक अंत है। उसमें भी जब नई सृष्टि का आदि होता है तो आदि में माता चाहिए, षष्ठी जब सृजन होता है तब कि आदि में पिता चाहिए। कौन पालना अच्छी करेगा? माता। तो यज्ञ के आदि में कौन सा रूप था जिनके द्वारा सारी सृष्टि की पालना का फाउंडेशन पड़ा? ब्रह्मा। तो वास्तव में मुरली में बोला, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है, इसलिए ये पुरुष तो कन्या माताओं की पालना नहीं कर सकता, निमित्त नहीं बन सकता, इसलिए जगदम्बा निमित्त बनी हुई है। अंत में सारी सृष्टि की पालना कौन करेंगी? है यही जगदम्बा है, जगदम्बा की भुजाएं सारी सृष्टि की पालना करेंगी। तो पालना करने की निमित्त तो कन्या माताएं साकार में बनेंगी, सेवा तो करेंगी, परंतु वो सेवा ब्रह्मा की स्व आत्मा करेगी विशेष रूप में, या वो साकार में जो निमित्त बनी हुई है वो करेंगी? साकार वाली करेंगी, माने हम बच्चे सेवा करते हैं, सेवा करने वाले हम हैं, हाँ, या बाप दादा सेवा कराते हैं? तो कन्या माताओं में प्रवेश करके सेवा करने का निमित्त तो बाप बनेगा या माँ बनेगी? है? बाप कन्या माताओं में प्रवेश करेगा? माता, ब्रह्मा माता। तो ब्रह्मा माता जगदम्बा में प्रवेश करके पाठ बजाती है, लेकिन गुलजार दादी में जो पाठ चलता है क्या वो भी उसी कैटेगरी का पार्ट है? नहीं। क्यों? जगदम्बा भी माता का रूप है, स्त्री चोला है, और गुलजार दादी भी स्त्री चोला है, फिर अंतर क्यों? गुलजार दादी में जो प्रवेशता होती है वो सूक्ष्म शरीरधारी की प्रवेशता होती है, और जगदम्बा में जो प्रवेशता होती है वो सूक्ष्म शरीर से प्रवेशता नहीं होती है। कैसे होती है? अरे हैं? बीज रूप में प्रवेशता होती है। क्यों? गुलजार दादी में बीज रूप में प्रवेशता क्यों नहीं हो सकती? और जगदम्बा में बीज रूप में प्रवेशता क्यों हो जाती है? रुद्रमाला का मणका, गुलजार दादी रुद्रमाला का मणका क्यों नहीं? जगदम्बा ही रुद्रमाला का मणका क्यों? उन्होंने क्यों बाप को पहचान लिया?
उन्होंने क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि 84 जन्म लेने वाले ही बीज रूप होंगे या कम जन्म लेने वाले बीज रूप होंगे? और गुलजार दादी 84 जन्म लेने वाली आत्मा है या लास्ट में आने वाला नारायण है? लास्ट में आने वाला नारायण है। वो कम जन्म लेने वाली आत्मा है। जो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्माएं हैं उनमें जगदम्बा का विशेष स्थान है। जो 108 पावरफुल मन के चुने जाते हैं 84 जन्म लेने वालों के बीच में से, उन 108 में जगदम्बा लास्ट है। भले लास्ट है, लास्ट मन का भी है, तो भी भगवान के उतना ही नजदीक है जितना फर्स्ट मन का है। इसलिए बीज रूप स्टेज वाली आत्मा है उसके नजदीक अगर भूत प्रेतानी सूक्ष्म शरीरधारी भी आ जाएगा तो भी क्या बन जाएगा? संघ के रंग से बीज रूप बन जाती है। ब्रह्मा की सोल जगदम्बा में बीज रूप में प्रवेश करती है और गुलजार दादी में सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करती है। ये दो की बात तो क्लियर हो गई। अब कौन रहा? शंकर। शंकर वाली भी आत्मा रुद्रमाला का पहला मणका है। भगवान बाप के उतने ही नजदीक है जितनी जगदम्बा, माने वो भी बीज रूप आत्मा है। तो उसके नजदीक आने मात्र से ही ब्रह्मा की सोल क्या बन जाती है? बीज रूप में स्थिर हो जाती है। लेकिन बीज रूप में जब स्थिर होती है तो ब्रह्मा की सोल संपूर्ण चंद्रमा है या अधूरा चंद्रमा है? है अधूरा चंद्रमा है। वो अधूरा चंद्रमा जगदम्बा में भी दिखाया जाता है। जब जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है तो महाकाली का रूप तामसी है या दुर्गा का रूप तामसी है? महाकाली का रूप तामसी है, तब अधूरा चंद्रमा है। और जगत पिता का रूप भी तामसी है, क्योंकि प्रजापिता है ही पतितम कामी कांटा, तो उसमें भी अधूरा चंद्रमा प्रवेश है। पहले किसमें पार्ट बजता है? पहले जगत पिता में पार्ट चलता है चंद्रमा का या जगत माता में चलता है? पहले स्थापना के लिए जगत पिता, क्योंकि बाप आकर के ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, बाद में गाया जाता है शंकर द्वारा विनाश। लेकिन शंकर तो विनाश करता नहीं है, करता कौन है? प्रैक्टिकल में शक्तियां चलती है, शक्तियों में मुख्य शक्ति कौन? जगदम्बा। इसलिए जगदम्बा में भी ब्रह्मा की प्रवेशता है, जगत पिता में भी ब्रह्मा की प्रवेशता है। और जो कम कलाओं वाली आत्माएं हैं उनके जो मुखिया हैं उनमें भी ब्रह्मा की प्रवेशता है। और धर्मों की भी स्थापना का कार्य भी कहां फाउंडेशन पड़ता है? क्या परमधाम में फाउंडेशन पड़ेगा? नहीं। कहां पड़ता है? संगम युग में ही फाउंडेशन पड़ रहा है। और हाँ जी, गुलजार दादी का जन्म पवित्र है या प्रसिद्ध है? है गुलजार दादी का जन्म पवित्र है या पुरुष है?
लक्ष्मी के मुकाबले पतित है या पवित्र है? लक्ष्मी के मुकाबले जो लक्ष्मी का पार्ट खुलेगा या खुल गया है, तो लक्ष्मी वाली आत्मा के मुकाबले जो आठवां नारायण ही बनेगी उसकी आत्मा ज्यादा पवित्र है या कम पवित्र है? तो परसेंटेज में अपवित्र कहेंगे या पवित्र कहेंगे? अपवित्र ही कहेंगे। गुलजार दादी बचपन से ही भले ब्राह्मणों की दुनिया में जन्म लेकर के या पालना ले रही है, दुनियावी कन्याओं के मुकाबले तो पवित्र है, क्योंकि वातावरण उनको पालना का पवित्र मिला है या अपवित्र मिला है? पवित्र वातावरण मिला है। लेकिन फिर भी ज्ञान की दृष्टि से, ज्ञान यज्ञ के आदि से लेकर के अब तक जिस स्टेज पर भी पहुंचा है उसे 100% पवित्र ज्ञान कहेंगे या कुछ न कुछ अपवित्रता घुसी हुई है? अपवित्रता भी घुसी हुई है। उस अपवित्रता की बात में बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में सबसे बड़ी अपवित्रता घुसी हुई है। दृष्टि से एक दूसरे का लेन देन करते हुए उसे योग की व्याख्या देना, तो आत्मा अपवित्र हो रही है या पवित्र हो रही है? अपवित्र हो रही है। आंखें सबसे बड़ा धोखा देने वाली है। मुरली में से बोल रहे हैं ना बाबा, पवित्र कन्या शिव बाबा, पवित्र कन्या सवित्र कन्या है कि पवित्र आत्मा है? कन्या है, आत्मा तो नहीं पवित्र है। यहाँ भी जो कन्याएं बैठी हुई हैं, उनको कोई अपवित्र कन्या कहेगा? नहीं। हाँ, ये भी कहेंगे कि जिस वातावरण में गुलजार दादी पली है उस वातावरण के हिसाब से वो पवित्र वातावरण में पली है या अपवित्र वातावरण में पली है? पवित्र वातावरण में पली है। तो दुनियावी कन्याओं के मुकाबले तो और ही पवित्र है। लेकिन फिर भी आत्मा में जो संकल्प चलते हैं वो संकल्प कैसे चलेंगे? इन आंखों से जो चीज देखी जाती है याद आती है कि नहीं? बोलो, आती है। और कन्या बैठ करके संदली में इन आंखों से ढेर के ढेर आदमियों को देखेगी, दुर्योधन दुशासनों के साथ संग का रंग लगाएगी, अंगों के साथ। आंखें भी तो अंग हैं, आंखें क्रिमिनल अंग हैं या पवित्र अंग हैं? क्रिमिनल हैं। देखने वालों की भी आंखें क्रिमिनल हैं और जो देखने में आ रहे हैं उनकी भी आंखें भी क्रिमिनल हैं। तो पतित इंद्रियों का पतित इंद्रियों के साथ संग होगा तो संग का रंग कैसा लगेगा? कैसा संग का रंग लगेगा? अरे, जो प्रश्न पूछ रहा है उसको बोलने दो। पतित संग का रंग लगेगा। तो जब संग ही पतित का लगेगा तो याद पतितों की ज्यादा आएगी या पावन की ज्यादा याद आएगी? पतितों की ज्यादा याद आएगी। तो जब पतितों की ज्यादा याद आएगी तो खोपड़ा खोखला बनेगा या भरपूर बनेगा? खोखला बनेगा। इसका प्रूफ है एडवांस में जगदम्बा मातेश्वरी जब 9-10 साल की थी तो 6-8 साल से ज्ञान में चल रही थी बचपन से ही, 76 से ज्ञान में आ गई। ज्यादा बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता था, फिर भी बैठता तो था ना। माँ के साथ बेसिक और एडवांस के कनेक्शन में तो आ गई ना। तो जब 14-15 साल की हुई
तो पांडव भवन में गुलजार दादी से टाइम लेकर के आधा घंटे के लिए पहुंची माँ के साथ कि दादी कुछ आपसे बातें करनी है, जरूरी हमें हमें सजेशन दो, हमारी बात सुनो ध्यान से। तो गुलजार दादी एक अलग कमरे में, जानती थी कि एडवांस की है, अलग कमरे में कुर्सी लेकर के बैठी। 15 आधा घंटे तो बात छोड़ो, 10-15 मिनट भी एडवांस की बातें नहीं सुन पाई। मेरा तो सर दर्द होने लगा, मैं अब ज्यादा नहीं बैठ सकती और उठ के चली गई। तो दिमाग खोखला हुआ या भरपूर हुआ? खोखला हुआ। और बाबा, हाँ बोलो बोलो। माया बूढ़े लोगों को तंग करती है। माया बूढ़े लोगों को तंग करती है? तेरे को पता ही नहीं है माया क्या होती है, इसलिए कहती है माया बूढ़े लोगों को ज्यादा तंग करती है। माया बूढ़े लोगों को ज्यादा तंग नहीं करती, जो नौजवान होते हैं उनको बहुत तंग करती है। बूढ़े लोग तो उनकी आदतें खराब हो जाती हैं, उनकी इंद्रियां काम नहीं करती हैं, ताकत नहीं रहती उनमें। तो जिसमें ताकत होती नहीं है और आदतें खराब पड़ी हुई हैं, इच्छा पूर्ति नहीं होती है, तो चिड़चिड़ापन जास्ती आता है। तो बूढ़ों में चिड़चिड़ापन ज्यादा आता है तो बच्ची समझती है उनको माया ज्यादा पकड़ रही है। और बाबा, राष्ट्रीय प्रतीक में जो 4 शेर दिखाते राष्ट्रीय प्रतीक है ना, राष्ट्रीय प्रतीक प्रतीक में प्रतीक जो 4 शेर दिखाते वो 4 शेर को दिखने को सही से दिखते, अशोक की लाट में दिखने को सही से दिखते, लेकिन उसमें से जो मेन है शेर वो कैसा समझना जरूरी है? उसमें से कौन सा मेन शेर जरूरी है? जो सामने दिखाई पड़ता है वही मेन है, जो आजू बाजू दिखाई पड़ता है वो मेन नहीं है, और जो पीछे है वो बिल्कुल ही दिखाई नहीं पड़ता, वो तो नेस्त नाबूद होता है। कौन से तरफ से देखा तो मेन, कौन से तरफ क्यों, जहाँ सामने से देखो, जहाँ दरवाजा है वहाँ से देखो, घुसने का दरवाजा भी तो होता है, तो जहाँ घुसने का दरवाजा सामने से घुसे वहाँ से देखना शुरू करो, किसके ऊपर नजर पड़ेगी? मुख्य के ऊपर नजर पड़ेगी। और वो 4 शेर बताए नहीं कौन कौन है, जानवर शेरों को देखा था क्या, या चैतन्य को भी देख लिया? देखा, बताओ वो 4 चैतन्य ह्यूमन शेर कौन है? राम बाप बताओ बताओ, कौन सा दाई ओर का है, कौन सा बाई ओर का है, कौन सा पीछे की ओर का है, जो बिल्कुल ही उल्टा खड़ा है? भरत, राम, भरत। राम कौन सा है? सामने वाला। राम सामने वाला हो गया, और भरत कहाँ का हो गया, दाई ओर का? गड़बड़ा गए, कौन सा मुख तुम ज्यादा देखते रहे सो बताओ, जब देखने गए थे तो कौन सा मुख ज्यादा देखा? सामने वाला ज्यादा देखा, लेकिन अभी तुम पूछ रहे थे जिस हिसाब से, उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा था राम वाला तुम्हें दिखाई नहीं पड़ा। और हाँ जी, अर्जुन कुमारी का, है अर्जुन कुमारी का,
अधर कुमारी माने जो आधार में लटकी रह जाए, आधी कुमारी ज्ञान में आ गई ना, पहले तो अज्ञानी दुनिया में थी। तो जब अज्ञानी दुनिया में थी तो शादी हो गई, पहले क्या थी शादी होने से पहले कुमारी थी, फिर शादी हो गई, फिर शादी होने के बाद ज्ञान में आ गई, पवित्र रहना शुरू कर दिया, तो आधी कुमारी हो गई। क्या इसलिए कहते हैं आधर कुमारी। दुनिया वालों ने नीचे एकदम नीचे ग्रेड गिरा दिया और बाप ने आके आधा तो तुरंत सुधार दिया। अब आधा अपने पुरुषार्थ से चाहे तो ऊंचा बने। और क्या लिखा है, ये कुछ मराठी में लिखा, दूसरी लाइन में पढ़ के सुनाओ क्या मतलब है इसका। नाम हो गया शिव तो भीम बनता नहीं है कभी, भीम माने भयंकर। ये शिव का टाइटल हो सकता है भीम है? नहीं, भयंकर कौन हो सकता है, निराकार या साकार? साकार भयंकर हो सकता है। तो शंकर का गुण बताया, शंकर कैसा, भीमा, तो नाम पड़ गया भीमा शंकर। और माने शिव शंकर में दो नाम है और भीमा शंकर में दो नाम नहीं है। जो भीमा शब्द है वो भयंकर गुण की प्रतीक शब्द है, और कर्म बंधन मुक्त आत्मा है, ऊपर उड़ेगी, नीचे उड़ेगी, नीचे उड़ेगी, ऊंची उस स्टेज में उड़ेगी। हाँ, तो वो कब की बात होगी? अभी यहाँ पर बहुत सी आत्माएं हैं जो हर समय सेवा में लगी रहती हैं, लौकिक दुनिया की, लौकिक पेट की, लौकिक संबंधियों की, बाल बच्चों की, जो उनको चिंता ही नहीं है। तो वो ऊंची स्टेज में उड़ रही है या नीची स्टेज में उड़ रही है, है? कहाँ उड़ रही है, किसी स्टेज में उड़ रही है। वो तो कर्म बंधन है उनको या कर्म बंधन से ऊपर उठ गई? माना 63 जन्म में उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं जिससे आखिरी जन्म में उनको कोई बंधन नहीं है। कर्म बंधन ही आत्माएं नहीं है। और भक्ति में शिवरात्रि बहुत बड़ी मनाई जाती है। क्या भक्ति में शिवरात्रि बहुत बड़ी मनाई जाती है? बहुत बड़ी मनाई जाती है। बड़ी मनाई जाती है कहाँ? भक्ति मार्ग। हाँ, तो और त्योहार बड़े रूप में नहीं मनाए जाते? बेसिक में तो 3-4 दिन का प्रोग्राम रहता है बाबा। बेसिक की बात कर रहे हैं? ओ, जब भगवान की प्रत्यक्षता होगी
संसार में जब भगवान की प्रत्यक्षता होगी तो पहले बेसिक वाले पहचानेंगे या दुनिया वाले पहचानेंगे? पहले तो बेसिक वाले ही पहचानेंगे। तो ज्यादा बड़ी महाशिवरात्रि किसकी हुई? बेसिक वाले की हुई। और अभी जब झूठी झूठी और नकलची दुनिया की नकल की हुई शिवरात्रि मना रहे हैं, उन्हें क्या असली पता है कि शिव का जन्म कब हुआ, कब आते हैं, कब चले जाते हैं, किसी को पता चलता है? तो झूठी दुनिया की झूठी शिवरात्रि मना रहे हैं, तब तो उनको इतना उमंग उत्साह आता है कि इतने पैसे लुटा रहे हैं। लेकिन जब असली पता चलेगा तो क्या करेंगे, धूमधाम बढ़ाएंगे या घटाएंगे? और ज्यादा बढ़ाएंगे। और क्या काशी में बड़बड़ा और प्रयाग में गया फाटा? क्या क्या कहावत है? काशी में बड़बड़ा, बड़ का पेड़ बड़ा। हाँ, और काशी में और प्रकाशी में गया और गया में गया प्रयाग, प्रयाग में फाटा गया, फट गया। फाटा फट गया प्रयाग में, चढ़ गए जड़े, चढ़ गई जड़े रहती ना नीचे, और प्रयाग में गया फाटा। फाटा माने जड़े? अच्छा, काशी में बड़ बड़ा और प्रयाग में गया फाटा, माने उसकी टहरियां फैल गई प्रयाग में जाने से, और काशी में टहनियां नहीं फैली, उसकी जड़ फैली। ठीक बात तो है, काशी में फाउंडेशन लगता है या उसकी शाखाएं फैलेंगी? काशी में प्रैक्टिकल अभी ब्राह्मणों की दुनिया में फाउंडेशन लग रहा है गुप्त रूप में। जो जड़ें होती हैं वो जमीन के अंदर अंदर फैलती हैं या बाहर फैलती हुई दिखाई पड़ती है? अंदर अंदर फैलती है। तो ठीक बात तो है, भक्ति मार्ग में जो गायन है वो झूठा है या सच्चा है? है सच्चा है, लेकिन उसका अर्थ किसी को पता नहीं है। अभी हम बच्चों को पता लग गया। और प्रयाग में क्या खासी है, खास खास बात होती है, हैं? जो काशी में वो बात नहीं है। तो शाखाएं काशी में फैलती नहीं है, बात जड़ें फैलती हैं। तो प्रयाग में क्या खास बात होती है, हैं? प्रयाग में संगम, हाँ, असली संगम की शुरुआत होती है प्रयाग में, माने इलाहाबाद में। वो अल्लाहाबाद है, अल्लाहाबाद में है। क्या होता है, तीनों नदियाँ इकट्ठी होती हैं, तीनों नदियों का संगम होता है। कौन कौन सी तीनों नदियाँ? गंगा, यमुना और सरस्वती। और रामायण में जनक को विदेश के बारे में बताते हैं, है? रामायण में जनक
विदेह स्थिति में बताते विदेही ज्ञान मार्ग में जो नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ता है तुम सब सीताओं का जन्म होता है नंबर वार वो विदेही स्टेज में जब राम वाली आत्मा पहुंचेगी जो सारी दुनिया का जनक है बाप है ये पहले ही पहुंच जाएगी है? नहीं समझ में आया नई दुनिया का जो फाउंडेशन पड़ेगा वो निराकारी स्टेज से पड़ेगा या साकारी स्टेज से पड़ेगा वो निराकारी स्टेज कौन सी आत्मा की पहले बनेगी है? राम की तो राम वाली आत्मा तुम सब सीताओं का बाप है उसमें अब्बल नंबर कोई सीता भी है और नंबर वार सीताएं भी है और जनक उसका नाम दिया है जनक माने बाप जन्म देने वाला जन माने जन्म का माने करने वाला अर्थात जो आत्मा रूपी सीताओं को जन्म दाता है उसका नाम दिया जनक और ओम शांति।